वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं आपके लिए बहुत यूनिक एक रेसिपी बना रही हूँ, जिसको आप चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं और चिकन रोस्ट भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की होती है, मेरे घर में बहुत शौक से खाई जाती है और बहुत सिंपल, बहुत ईजी रेसिपी है। तो आप ये मुकम्मल रेसिपी देखें और उसके बाद अपने घर में ये ज़रूर बनाइएगा, तो इंशाल्लाह आपके घर वाले आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में खाएंगे। ये चिकन वो बच्चे भी खा लेते हैं जो बिल्कुल भी मीट लवर नहीं होते, चिकन लवर नहीं होते। तो अचानक से आपके घर जब गेस्ट आ जाएँ तो ये झटपट रेसिपी तैयार हो जाती है, आप जल्दी से चिकन निकालें और इसको रेडी करें। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो इसमें कुछ सॉसेज आएंगे और लहसुन जो है वो मैंने मैश करके रख लिया। सॉसेज में सबसे पहले सोया सॉस, और वो मुझे चाहिए चिली सॉस और साथ में सिरका, ये लास्ट में मैं ऐड करूँगी। उसके बाद जो है वो मैंने चिकन लेना है। चिकन जो है वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, आधे घंटे के लिए मैंने उसको सिरके में डिप किया था। डिप करके फिर मैंने दोबारा से वॉश कर लिया था, वॉश करके मैंने इसका सारा इसका पानी जो है वो निकाल लिया था। अब जो है वो इसको, इसमें जो है सिंपल इंग्रेडिएंट्स आएंगे। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले चाट मसाला, नमक और साथ में जो है वो सूखा धनिया पाउडर और क्रश चिली पाउडर। इसमें आपने पिसा हुआ धनिया ही यूज़ करना है, साबुत नहीं यूज़ करना, और क्रश चिली पाउडर भी लाजमी आपने यूज़ करना है, ये बहुत इसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके बाद चिली पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर, फूड कलर भी इसमें ज़रूर जाएगा क्योंकि ये रोस्ट का जो थोड़ा सा एक आपको लुक देगा, इस वजह से इसमें आपने फूड कलर ज़रूर ऐड करना। उसके बाद जो मैंने मैश किया हुआ लहसुन था वो मैंने इसमें ऐड किया। लहसुन को आपने ब्लेंडर में ही मैश करना है क्योंकि इसमें जो है वो मुझे बहुत फाइन सा पेस्ट चाहिए था, इसलिए उसको मैंने ब्लेंडर में मैश करके एक बड़ा फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया। पानी डाल के मैंने लहसुन को जो है ब्लेंडर में मैश किया था। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर देना, और इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैरिनेट नहीं करती। मैं जब भी कुक करती हूँ मैं इसको फ़ौरन से कुक कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप मैरिनेट करेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा चिकन के अंदर तक जायका आएगा। उसके बाद जो है वो सिरका मैंने इसमें ऐड किया, और फिर थोड़ा सा चिली सॉस, उसके बाद जो है वो सोया सॉस। ये आप थोड़ी थोड़ी तीनों चीज़ें ऐड कर लें, इससे बहुत मज़े का जायका आता है, बहुत प्यारी फ्रेगनेंस आती है और मसाला जो है वो चिकन में बहुत अच्छी तरह से रच जाता है, और कुकिंग प्रोसीजर जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। इसके बाद लास्ट में आपने योगर्ट डालना। दही जो है वो आप पहले से बीट भी करके रख सकते हैं उसकी फुटकियाँ निकाल के, या फिर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट डाल लिया था क्योंकि अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स करना है, तो तब भी दही की सारी फुटकियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब जो है वो मैंने दही इसमें ऐड करके तो इसको अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लेना चिकन के अंदर, और मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो इसी स्टेज पे मैंने इसको अब कुकिंग करने के लिए रख देना है, इसको मैंने 5-10 मिनट के लिए इसको रखना नहीं है, इसी वक्त फ़ौरन से जो है वो मैंने इसको कुक कर लेना। अच्छे तरीके से इसको दही को और सारे मसाले को चिकन के अंदर मिक्स करना है, जब तक आपने चम्मच हिलाना जब तक दही की फुटकियाँ ख़त्म नहीं हो जाती।
उसके बाद थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करना है, ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बहुत हल्का सा ऑयल चाहिए। और उसके बाद दम लगा के, ढक्कन लगा के इसको छोड़ देना है। इस पर पानी भी नहीं जाएगा और कोई और इंग्रेडिएंट भी नहीं जाएगा। लोग यहाँ पर बहुत टमाटर यूज़ कर लेते हैं और कोई ना कोई और मसाले यूज़ कर लेते हैं। इन जो ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने इसको बनाना है। अपने पास से आप कभी भी कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड ना कीजिएगा, तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। आप बताओ कि इधर आके क्यों बैठे हो? वैसे क्यों? बाल पीछे करो। वैसे क्यों बताओ? ऑयल है इधर पड़ा हुआ। आपका दिल नहीं लग रहा अंदर? क्यों? तो चलें अब सैलड बनाते हैं। सैलड के लिए सबसे पहले जो है वो मैं लेटस जो है उसको अच्छे से काट रही हूँ। आप ये देखें कितना फाइन चॉप कर रही हूँ। इसको पहले आपने अच्छे से वॉश करना है। मैंने अभी अच्छे से इसको वॉश किया है। वॉश करके मैंने इसके पत्तों को सबको इकट्ठा किया और उसके बाद अब मैं चॉपिंग कर रही हूँ इसकी। अब एक प्लेट ले लें और प्लेट में इसको बड़े अच्छे से डेकोरेट कर लें। इसके साथ ही जो है वो मैंने टमाटर भी काटना है। टमाटर काट के इसकी साइड्स पे जो है वो मैंने डेकोरेट करना है। सैलड बना रही हूँ। सैलड आप किसी भी टाइप का किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। जब आप ड्राई सैलड बनाते हैं तो उसके साथ सैलड ज़रूर बनाना चाहिए। और वैसे भी आजकल जो है वो गर्मी आ गई है, तो सैलड आप अपनी डाइट में, डेली डाइट में ज़रूर लें।
तो सैलेड जो है वो मैंने बना लिया था, खाना देखते हैं। हम ये अभी तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गई है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। दही में थोड़ा सा पानी अपना ही छोड़ा था मैंने, पानी तो मज़ीद ऐड नहीं किया था, और चिकन बहुत अच्छा टेंडर हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा मैंने भूनना है, इसमें ऑयल मज़ीद नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जिंजर मैंने जुलियन कट काटा हुआ, और वो काट के जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और साथ में ग्रीन चिली। ग्रीन चिली इसकी थोड़ी सी डालनी है क्योंकि इसमें फ्रेश चिली डली हुई है, तो जो है वो ज़्यादा मिर्ची भी नहीं चाहिए। बच्चों ने खाना खाना है वो ज़्यादा मिर्ची करनी पड़ती है। मैंने थोड़ा सा इसको जैसे भूना और ये बिल्कुल कर दिया। ईजी रेसिपी आपने कभी भी नहीं ट्राई की है, तो ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मिर्ची भी बनती है। और इस वक्त तो पूरे घर में बहुत सारी आ रही है और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अब जो है वो साथ में चटनी भी बना लेती हूँ, क्योंकि चटनी इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। तो चटनी के लिए पुदीना, थोड़ा सा धनिया और ग्रीन चिली और दही, ये इसमें ऐड करना है। आज मेरे पास पुदीना भी था तो मैंने इसलिए पुदीना भी इसमें ऐड कर लिया और थोड़ा सा दही डाला। वैसे मुझे पर्सनली जो है वो धनिया की चटनी ज़्यादा पसंद है, पुदीना जो है वो इतना ज़्यादा डालूँगी और इसको फिर अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छी सी चटनी बन जाए। और मज़ीद जो है वो सलाद की रोटी रखूँगी मैं, चटनी रखूँ अंदर रखूँ। हाँ जी बन जाएगा अंदर। चिकन का कलर देखें, टेक्सचर देखें, और कितना खूबसूरत लग रहा है। और सैलड भी, सैलड की डेकोरेशन भी बहुत प्यारी है, बहुत कलरफुल, बहुत यूनिक, बहुत मज़े की रेसिपी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चिकन जो है वो तो दोपहर को ही ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, गेस्ट भी आ गए थे, तो खाना जो है वो दोपहर को ही फिनिश हो गया था। और उसके बाद जो है वो अब हम रात को बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो बहुत हल्का फुल्का सा कुछ हम लेंगे, चाइनीज़ वग़ैरह। बहुत हैवी खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए सोचा कि रात को बाहर चलते हैं।
कौन सा वाला था वो? इधर से जाते हैं ना उधर। उसके सामने लगाएं? कोई बात नहीं, सामने जगह नहीं होगी, किधर लगाऊंगा। हम इस वक्त स्टेक एंड नाइफ रेस्टोरेंट है बरकत मार्केट में, वहाँ पर हम आए। अच्छा पहले देख लें फिर बाद में ऑर्डर करते हैं। क्या क्या मेन्यू है? आप भी क्या खाना है मोमन? कुछ भी नहीं? तो फिर क्या करने आए हो? कुछ भी? अच्छा ओके। अहमद आपने बताओ। मिंट पाँच बेटा और राइस कैन गो शाश्लिक। अच्छा कहाँ पर है? मोहम्मद अहमद के लिए दो बर्गर में गवा लेते हैं। अच्छा ये ठीक है, ये मार्गरेटा 200 का है। फोर सबके लिए? अच्छा फोर वो का है सैलड। बर्गर कौन सा? बर्गर कौन सा हो रहा है? जिंगर बर्गर है, चिकन वाला मिल रहा है। अच्छा चाउमीन कैशो, ये है चिकन शाश्लिक, ये है 690 का। पास्ता भी है यहाँ पर, अल्फ्रेडो पास्ता। ठीक है, मेन्यू इनका काफ़ी अच्छा है ना। लोकेशन भी अच्छी है, सिटिंग बहुत अच्छी है। अभी सारी चीज़ें इकट्ठी आने दो। हाँ ये कोल्ड ड्रिंक ये शास्त्रिक सोया सोया था। डिनर हमने कर लिया था, डिनर बहुत मज़े का था। अब इस वक्त हम बोतल पी रहे थे यहाँ पर खड़े होके, तो घर की तरफ चलते हैं। और आप उतनी देर मेरी वीडियो देखें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।